की रहने वाली हूँ, ऋषिकेश रहती हूँ। जो व्यवस्थाएं लगी काफी वहाँ पे मुझे प्रशासन की नाकामी नजर आ रही थी। मुझे प्रशासन जो मुझे व्यवस्थाएं लगी उतनी दुरुस्त नजर नहीं आ रही थी, जिस तरह से समाचारों में चलाया जा रहा था, जिस तरह से सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मीटिंग्स भी की गई, जो पुलिस प्रशासन को बार बार मीटिंग्स में बुलाया गया, मुझे ये जो सारी चीजें वो मुझे धरातल पर नजर नहीं आई। हो सकता है अभी, देखिए अभी व्यवस्था बनाने में वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उम्मीद से ज्यादा लोग वहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, निस्कुर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और 10 मई से जो है चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि यात्रा में जो है बाबा केदार के, बद्रीनाथ के, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने के लाखों जो श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से जो अव्यवस्था का माहौल चारधाम यात्रा के दौरान देखा जा रहा है, ये कहना क्या लाजमी होगा कि सरकार ने पहले से तैयारियाँ नहीं की? क्योंकि अगर हम पिछले चारधाम का जिक्र करें तो 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए पहुंचे हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के या प्रशासन को ये पता था कि जो आगामी जो यात्रा होने वाली, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से लोगों का क्रेज बढ़ा है यात्रा में श्रद्धालुओं को पहुंचना स्वाभाविक है। लेकिन इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, मेरे साथ दो खास सहयोगी मेरे साथ हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो यात्रा चारधाम की चल रही है उस यात्रा को लेकर क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो सरकार की तैयारियों से खुश हैं, क्या नाखुश हैं, हो सकता है क्या सरकार इससे बेहतर कुछ कर सकती थी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नागेंद्र भाटी हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी बबीता भी है, दोनों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस यात्रा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर और पर्यटन को लेकर, राजस्व को लेकर क्या कुछ कहता है। नागेंद्र जी, जिस तरीके से चारधाम की यात्रा अब चल रही है, हालांकि पूरी जो है ओप ओ की स्थिति बनी हुई है, कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या लोगों का हुजूम ये बड़ी वजह है या फिर राज्य सरकार की जो अव्यवस्थाएं, जो व्यवस्था वो नहीं कर पाए, इसको आप बड़ा कारण मान रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह लता ये है कि उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि पहले ही दिन, मतलब जो पिछले साल गए थे श्रद्धालु, उनसे दुगनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए, तो एक ये सबसे बड़ी। और जब आप उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो अव्यवस्था अपने आप ही हो जाती है। देखिए कि पहले ही दिन उम्मीद से दुगनी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे तो किसी को भी व्यवस्था करने में उसमें दिक्कत आएगी, और यही राज्य जो सरकार है उसके सामने भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर ही 1,80,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और जिस तरह की अव्यवस्था वहाँ फैली है उसको देखते हुए अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, प्रशासन को भी इसमें मुस्तैद कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग वहाँ ना पहुँचे। और इसके लिए अभी जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें यह है कि रुद्रप्रयाग ही उन जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक किया जा रहा है, जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन है उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, वो सारी चीज वहां देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जो है मुख्यमंत्री वही है। चलिए, ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री है, हालांकि हर साल यात्रा होती है, कोई पहली बार यात्रा हुई नहीं है, और पिछले बार की अगर हम बात करें तो 50 लाख से ज्यादा का आंकड़ा चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो यानी कि यह आंकड़ा अपने आप में काफी था सरकार को, प्रशासन को ये जानने के लिए, समझने के लिए कि जो अब यात्रा होने वाली है उसमें जाहिर तौर पर आंकड़ा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि व्यवस्थाओं में कमी का ये बड़ा कारण है कि सरकार ये समझ नहीं पाई कि आगामी समय में कितने और लोग आ सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये आंकड़ा देखें तो हर साल दर साल बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का क्रेज बढ़ने लगा है इन तीर्थ स्थानों को लेकर। देखिए, बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अब जो चारों धाम हैं उन्हें, उन चारों में आपस में कनेक्टिविटी जो है वो बहुत सही कर दी है सरकार की तरफ से, रोड वहाँ बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, तो अब इसीलिए जो लोगों का रुझान है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप देखिए, हालांकि अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सेल्फी वगैरह हैं या वीडियो बनाने पर बैन लगाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग लोगों की संख्या वो इसलिए भी जाते थे कि हम वहाँ वीडियो बनाकर और वो अपलोड करें, और ज़्यादातर ये ट्रेंड में भी देखा जा रहा था, तो वो शूट वाला एरिया पूरा, हाँ, तो अब वो बंद कर दिया गया है। तो
हो सकता है, अभी देखिए अभी व्यवस्था बनाने में वहाँ थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि अब तो खुद मुख्यमंत्री वहाँ जाकर हालात देख रहे हैं और प्रशासन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब वहाँ लगे हुए हैं, किसी तरह की किसी भी श्रद्धालु को अव्यवस्था ना हो। चलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी खुद साक्षी है, क्योंकि अब इनका जो घर है वो ऋषिकेश में आपका घर है, और अभी जो है ऋषिकेश मैडम होके आई है क्योंकि चारधाम यात्रा का दौर जारी है। ऐसे में आपने क्या महसूस किया सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर, और आप जो रूट्स को लेकर बता रहे थे कि रूट्स कुछ ऐसे चेंज किए जिससे जो स्थानीय लोगों ने दिक्कतें आ रही हैं, और आपने ये भी बहुत अच्छा एंगल बताया कि हमें जो उम्मीद से ज़्यादा दुगनी जो लोग पहुँचे हैं उनको कम करने की बजाय अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़े, क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल लता, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे उस दौरान मैं यही कह रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में मैं ऋषिकेश गई हूँ और कुछ दिनों पहले ही गई हूँ, मैं 4-5 दिन हो गए होंगे। उस दौरान क्या हुआ कि मैं खुद वहाँ की रहने वाली हूँ, ऋषिकेश रहती हूँ, तो मुझे जो व्यवस्थाएं लगी काफ़ी वहाँ पे मुझे प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही थी, मुझे प्रशासन जो मुझे व्यवस्थाएं लगी उतनी दुरुस्त नज़र नहीं आ रही थी, जिस तरह से समाचारों में चलाया जा रहा था, जिस तरह से सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, खुद धामी सरकार लगातार इसके लिए कह भी रही, तो इतनी मीटिंग्स भी की गई, जो पुलिस प्रशासन को बार बार मीटिंग्स में बुलाया गया, मुझे ये जो सारी चीज़ें वो मुझे धरातल पर नज़र नहीं आई। क्योंकि जब मैं वहाँ से जा रही, खुद मैं एक लोकल हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जब मैं जा रही थी घर की तरफ, तो उन्होंने जो वो मेन जो रोड था वो बंद कर दिया। अब मुझे क्या है, जो मेरा घर पास में पड़ रहा था, जो मुझे कुछ ही दूरी पर पड़ रहा था, उसके लिए मुझे बहुत लंबा घूमकर आना पड़ रहा था, तो यानी कि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। बिल्कुल, जो अगर आप रोड ही वहाँ पर अगर बैरियर लगा देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो लोग वहाँ से जा रहे थे वो बाधित हो गया है। अब मुझे पूरा इतनी दूर से घूम के आना पड़ रहा है, उससे क्या हो रहा है, लोग जाम में फंस गए हैं, जो लोकल वाले भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन जो लोकल वाले वो भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट लोकल वाले लोगों के लिए वहाँ पे जो आना जाना कर रहे हैं, जिनके जो वहीं पर रहते हैं, जो पता है कि वहीं पे उनका आना जाना भी है, सारी चीज़ें वहीं से चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है उनके लिए एक अलग से रास्ता बनाना चाहिए था, और जो चारधाम यात्रा के लिए लोग आ रहे थे उसके लिए एक अलग से रास्ता बनाना चाहिए था। तो यानी जो रूट्स थे वो उन्हें दुरुस्त करने चाहिए थे, प्लस उनके लिए अलग अलग रास्ते देने चाहिए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अब जैसे अभी हम भाटी जी से भी बात कर रहे थे, तो भाटी जी ने कहा कि जो व्यवस्थाएं, क्योंकि अचानक से एकदम से रिकॉर्ड तोड़ जो है वहाँ पर लोग पहुँच गए, संख्या पहुँच गई, ये सभी को पता था कि हर साल जो है वो रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। जैसे गर्मियों का रिकॉर्ड टूट रहा है कि हर साल जो है पता चल रहा है कि इतने इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है तापमान, उसी तरह से सबको पता है कि लोगों में क्रेज बढ़ गया है। मैं मान रही हूँ कि रील्स बनाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, लोगों में युवाओं में खासकर देखा जा रहा है कि रील्स के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, रील्स के थ्रू वो कोई ऐसी वैसी रील्स नहीं दिखा रहे हैं, कोई ऐसी वैसी रील्स नहीं बनाई जा रही है, वो अपनी एक आस्था को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हम जाते, हम भी तो पहले बनाते थे ना कैमरों में, कि हम कैमरा लेके जाते फोटोज खींचते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपने एक बैन कर दिया है, लेकिन अगर हम वहीं पर एग्जांपल वैष्णो देवी का ले लें, अमरनाथ यात्रा का ले लें, वहां पर भी लोग बना रहे हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सेना वहां पर खड़ी हुई है, वहां पर सभी लोगों को आराम से लेके जाया जा रहा है, वहां पर इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पर उत्तराखंड में लगातार पर्यटन बढ़ भी रहा है, पर्यटक बढ़ने से वहां पर रोजगार बढ़ रहा है, वहां पर आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो रोजगार पर ही डिपेंडेंट है। मतलब अगर देखा जाए वहाँ पे जो रोजगार, माफ कीजिए, रोजगार जो है वो आधे ज्यादा पर्यटन पे ही डिपेंडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है उस चीज को आप बढ़ावा दीजिए, आप अपनी चीजों को दुरुस्त कीजिए, ना कि उसे कम करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि अभी समाचार हम पढ़ भी रहे थे और सुन भी रहे थे कि VIP एंट्री भी बंद कर दी है कुछ टाइम के लिए, और अब मोबाइल ले जाना वहाँ पे बैन कर दिया, ठीक है आप कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हो जाती, क्या ये स्टेप्स लेने से पहले, अगर आप लेते हैं तो या तो आप पहले ले लेते उस चीज को, स्टेप्स को, लेकिन अगर आप स्टेप्स ले रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान क्या फायदा है, आपको ये भी देखना है। बबीता ने बहुत अहम बात की भाटी जी, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि ये हम जरूर हमको इसका ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो पूजा करने वाले स्थल हैं वो धूमिल ना हो, दूषित ना हो, सेल्फी पॉइंट्स ना बने, हालांकि इसका एक क्राइटेरिया मापदंड बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि लोग अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं, और पहले भी हम कैमरों में कैद किया करते थे, तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपने साधनों को बढ़ाएं, हम अपनी व्यवस्थाओं को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेटिंग तरीके से आगे बनाएं, ताकि जो हमारे प्रदेश का जो राजस्व है वो बने, और क्योंकि पहाड़ों का वो इलाका है, लोगों का जो है पर्यटन रोजगार उसी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कुछ सरकार की क्या प्लानिंग होनी चाहिए थी जो सरकार शायद नहीं कहीं सोच पा रही है, क्या आपको लगता है?
लगता है इसमें कुछ कमी आ रही है? देखिए, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री इस सारे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, वो मौके पर भी पहुंचे हैं, अभी वो हरियाणा में चुनाव प्रचार में थे, यहाँ से भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, अब खुद वो वहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से अफसरों से कहा है कि सिर्फ जो अर्थव्यवस्था की बात नहीं है कि ये उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, इसमें उससे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग आस्था के साथ आ रहे हैं उन्हें उनकी जो यात्रा है वो सुगम रहे, किसी भी तरह की उन्हें अव्यवस्था जो है उसका सामना ना करना पड़े। तो सरकार इस पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भाटी जी बताया कि तमाम जो है खबरें हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, एक्शन मोड में बैठकें हो रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर थोड़ा कम, तो ऐसा कुछ है क्या धरातल पर, जमीन पर की जो है सब टीवी पर ही लोग एक्टिव हैं, जमीन पर प्रशासन अधिकारी इतना नहीं से नहीं नहीं देखिए जिस तरह से लगातार वहां से खबरें आ रही हैं और अब वहां सचिवालय से भी जो अभी रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और अफसरों की तरफ से जो अलर्ट मोड पर है और कई चीजें देखिए इसमें रोकी भी गई हैं, चाहे वो सेल्फी की वजह से वहां भीड़ इकट्ठी होती थी या वीडियो बनाते थे उसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होती थी, तो वो सब खत्म कर दिया गया है, लोग ऐसे ही वहां पर पहुंच रहे थे। देखिए अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें पता है कि हमारे यहाँ कितने लोग आने वाले हैं, अब क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जा रहे थे, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये कोई पहली बार नहीं कि लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि लोकल के एरिया के लोग भी जाते हैं, ये जो चारधाम की यात्रा है जब भी वो रास्ते खुलते हैं तो लोग, ये पहले से ही रूटीन रहा है, ये पहले से ही कल्चर वहां का रहा है कि लोग दर्शन करने लिए खुद ही पहुंच जाते हैं, तो सरकार को नहीं लगता कि इसके लिए पहले से सचेत होना चाहिए था, क्योंकि वो उत्तराखंड का पहाड़ का कल्चर पहले से जानते हैं। नहीं देखिए एक चीज की कैपेसिटी भी है ना, मानिए इस पूरे रूम में 100 लोग आ सकते हैं और यदि 500 आ जाएं, बिल्कुल आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा ना जो रूम संचालक होगा, हाँ तो उसी के लिए तो रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, उसी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि जब हमें पता होगा कि हमारे पास इतने रजिस्ट्रेशन हैं तो इतने ही लोग आने। लेकिन इसमें बात यहाँ पर ये भी हो जाती है मीन लता कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की, आपको पता है कि ऑनलाइन कितने रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, अब जैसे आपने बोला है कि रूम है, रूम में मुझे पता है इसकी कैपेसिटी इतनी है 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये कह दिया कि ऑफलाइन भी आप लोग आ जाइए, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया रूम हमारे पास इतने, लेकिन आप ऑफलाइन भी आप ऑफलाइन भी आ जाइएगा, आप ऑफलाइन भी यहाँ पे रूम बुक करवा सकते हैं, तो लोग तो आएंगे हमारे यहाँ पर क्योंकि आपने बोल दिया, और ऐसा भी नहीं, और जाम की जो स्थिति बनी हुई 25-25 घंटे लोग जाम में फंसे हो, और जब मैं खुद एक लोकल वहाँ पे पहुंची, मुझे खुद पता है कि हम रोड में नहीं जा सकते, हमें पैर रखने तक की जगह नहीं है, इसलिए लोग अब रोड ना जाकर वो अब पीछे से या फिर अलग अलग जो रूट्स है जो कच्चे रास्ते वहां से जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ऋषिकेश तक भी नहीं जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह रही, एक तो जाम की स्थिति इतनी ज्यादा कि आपको नहीं पता था कि वहाँ पे जाम की स्थिति बन जाए, ऊपर से आपने रूट्स वहां पे बंद कर दिए लोकल्स के लिए भी, आपको लोकल्स के लिए अलग रास्ते निकालने चाहिए थे जबकि आपको पता है कि वहीं से उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, वहीं पे उनके सारी चीजें जा रही है, आपको सारी चीजें वहां पे व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, सारी चीजों को मर्ज कर दिया, जो बाहर की लोकल जो बाहर के लोग भी आ रहे हैं उनके लिए भी सेम रास्ता, जो लोकल्स है उनके लिए भी सेम रास्ता, इससे क्या हो रहा है कि दोनों में दोनों ही लोग जा नहीं पा रहे हैं अपने रूट तक, क्योंकि अब चुनौती ज्यादा हो गई, क्योंकि लोगों का क्रेज बढ़ गया, लोग ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे, तो फिर सरकार को एक स्पेशल प्लानिंग इसके लिए करनी बहुत जरूरी है। और सबसे मेन ऑफलाइन अगर आप मना कर रहे हैं, अब जैसे आपने बंद कर दिया, आप पहले बताते, लोग तो वहां पहुंच चुके हैं, लोगों को क्या दिक्कतें नहीं आएंगी, अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं, बच्चे भी हैं उसमें, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, ऐसी उम्र के लोग हैं जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें जाना यात्रा करने, आपकी व्यवस्थाओं में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कह सकते कमी रही है, क्योंकि आपने अगर ऑफलाइन दिया या तो आप ऑनलाइन ही रखते उस चीज को, अगर ऑफलाइन भी दे रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन भी दे रहे हैं, आप जैसे अब आपने निर्णय ले लिया कि ऑफलाइन बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, हो सकता है ये लंबे समय के लिए भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की भीड़ अचानक से आई है, क्योंकि सिर्फ लोग चारधाम यात्रा के लिए नहीं आ रहे, वहाँ पे और भी पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग आना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, लोग अपना परिवार लेके आते हैं, आपको उन दोनों में एक चीजें देखनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ पे कितने लोग कैसे आ रहे, कितने लोग कैसे आ रहे, चारधाम यात्रा के लिए लोग आ रहे तो कौन सा रूट जाना चाहिए, अगर ऋषिकेश के लिए आ रहे हैं तो कौन सा रूट जाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है सरकार की, जिसपे वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम नजर आई। कहीं ना कहीं कमी जरूर है, हालांकि पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि चुनौती भी ज्यादा है, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो चारधाम यात्रा चल रही है, क्या सरकार की जो भरसक कोशिश की गई है, क्या इससे आप खुश हैं या फिर नाकाफी ये कोशिश है, क्योंकि हर साल ये आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप भी वहां के निवासी हैं, चाहे पौड़ी की बात करें, गढ़वाल की बात करें, चमोली की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, जोशीमठ की बात करें, क्योंकि पूरे रूट जो है उसी रास्ते से होकर निकलते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्थानीय की स्थिति बनी हुई है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।